हेलो फ्रेंड्स, गर्मियां अब पूरे तौर पे आ चुकी हैं। अब हम सभी इस चीज को लेकर परेशान हैं कि भाई अपने बच्चों को इन गर्मियों में कैसे बचाएं, और खासकर इस दौरान जो बच्चों में स्किन की तमाम प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी वजह से बड़े परेशान होते हैं, हम सब उसके बारे में उस चीज को लेकर परेशान हैं। तो आइए आज हम उसी बारे में बात करते हैं कि अपने बच्चों के स्किन को हम कैसे प्रोटेक्ट करें इस गर्मी के मौसम में। आपके YouTube चैनल जॉयफुल पेरेंटिंग विद डॉक्टर तिमिर में आप सभी यंग पेरेंट्स का स्वागत है। दोस्तों, आइए सबसे पहले हम सोचते हैं कि हम इस दौरान क्या क्या प्रॉब्लम्स को हम सबसे कॉमनली फेस करते हैं। घमौरियों के बारे में हम सब कोई जानते हैं, जिसे कि हम प्रिकली हीट कहते हैं या घमौरियां साधारण लैंग्वेज में जिसे हम कहते हैं। इसके अलावा ज्यादा पसीना बहने के चलते तमाम किस्म के फंगल इन्फेक्शन भी इस दौरान बच्चों में देखने को मिलते हैं। तेज धूप में कुछ बच्चे जिनकी स्किन थोड़ी सेंसिटिव होती है उनको सनबर्न्स भी हो सकते हैं। हालांकि ये हमारे इंडिया में इतना कॉमन नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों में सनबर्न्स होते हैं जो कि जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, या जो ठंडे इलाकों से आए हैं जिनको इतनी तेज धूप की आदत नहीं है। इसके अलावा इस दौरान जो है इंसेक्ट बाइट्स या मच्छरों के या दूसरे कीड़ों मकोड़ों के काटने से भी बच्चों में तमाम किस्म के रिएक्शन होते हैं। तो ये अलग अलग कंडीशंस हैं स्किन की जो कि इस दौरान हमें काफ़ी देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि इस दौरान ये सब घटनाएं इतनी बढ़ जाती हैं, बच्चों की स्किन की प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ जाती हैं, तो इसके अंडरलाइन कॉजेस क्या हैं? तो सबसे पहला कॉज दोस्तों ये है कि पसीना बहुत ज़्यादा बहता है, जाहिर सी बात है, इसी के चलते घमौरियाँ होती हैं, इसी के चलते फंगल इन्फेक्शन भी होते हैं। इसके अलावा अगर हम कहें कि बच्चों के स्किन में उस वक्त मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, पसीना तो अपने बहता ही है, साथ ही साथ अगर हम बच्चे ने कुछ ऐसे कपड़े पहने हैं ये जिसमें कि हवादार नहीं है, जिसमें कि पसीना सूखने की गुंजाइश थोड़ी कम है, तो स्किन बराबर मॉइस्ट बनी रहती है, जिसके चलते कि अगेन फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम कुछ मालिश कर रहे हैं किसी तेल से या अन्य चीज़ों से जिसमें कि आपके पसीने के डक्ट्स जो हैं वो बंद हो रहे हैं, यानी कि जो पसीना निकलने के जो स्किन में छिद्र होते हैं वो अगर ब्लॉक होते हैं, तो भी बच्चे को परेशानियाँ बढ़ जाती हैं। चौथी बात कि अगर बच्चा तेज धूप में निकलता है तो भी, जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो सनबर्न्स की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि तेज धूप में ना निकलें। इसके अलावा इस मौसम में, ये गर्मी और बारिश के मौसम में, कीड़े मकोड़े जो हैं और मच्छर, इनकी संख्या में बहुत इजाफा होता है, तो इंसेक्ट बाइट और इसके रिएक्शंस भी इस दौरान काफ़ी देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, हम क्या कर सकते हैं कि हमारे बच्चों को ये सब परेशानियां ना आए? तो ये प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं, चलिए अब हम उस बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात, हमारे कपड़े वो कैसे होने चाहिए? तो पहनने के लिए बच्चों को हमें हमेशा ढीले ढाले कपड़े और सूती कपड़े देने चाहिए। टाइट कपड़े और खासकर अगर सिंथेटिक मटेरियल से बने हुए हों जो कि हवादार नहीं है, जिनमें पसीना सूखने की गुंजाइश कम है, उनसे बच्चों को परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। दूसरी बात कि जब हम कपड़ों की बात करते हैं तो हम सिर्फ उन्हीं कपड़ों की बात नहीं कर रहे जो बच्चे ने पहन रखे हैं, बल्कि वो भी जिस पर कि वो सोता है, यानी उसकी बेडिंग। तो बेडिंग भी सूती होनी चाहिए, उसमें भी सिंथेटिक कपड़ों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। खासकर आपने देखा होगा कि जो आपके फोम के कुशंस आते हैं या फोम की बेडिंग्स आती हैं, तो और जिसके ऊपर सिंथेटिक कपड़ा भी लगा होता है, तो ये चीज़ें अगर हम स्किन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस मौसम में खासकर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो आपसे ये मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चों को हमेशा कॉटन के बेडशीट के ऊपर और कॉटन की बेडिंग के ऊपर ही सुलाएं। दूसरा जो एक बड़ा क्वेश्चन रहता है हमेशा पेरेंट्स के मन में कि डायपर्स को लेके, कि इस मौसम में डायपर्स का इस्तेमाल कहाँ तक ठीक है। हमारी सलाह रहती है दोस्तों कि क्योंकि इस मौसम में पसीना बहुत बहता है और स्किन हमेशा मॉइस्ट रहती है, तो जहाँ तक हो सके अगर आप डायपर्स की जगह कॉटन की नैपीज यानी कॉटन की लंगोटियाँ अगर आप बच्चे को पहनाएं तो काफ़ी अच्छी रहेंगी, क्योंकि वो जल्दी सूख भी जाती हैं और थोड़ा सा उसमें हवा भी आती है, तो बच्चे को इतना गीलापन का एहसास नहीं होता। रात में आप बेशक डायपर यूज़ कर सकते हैं, जब मौसम थोड़ा ठंडा होता है तब बेशक आप डायपर यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बीच बीच में बच्चों को खुला भी छोड़ दें बिना कुछ ढके हुए, तो भी उसमें कोई परेशानी नहीं है, वो भी बिल्कुल पूरे तौर पे एक्सेप्टेबल है। तीसरी बात आती है रोज नहलाने की। तो बच्चों को रोज इस दौरान नहलाना बहुत जरूरी है। पानी नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए और हल्का साबुन भी आप कुछ यूज कर सकते हैं, कोई भी माइल्ड सोप आप यूज कर सकते हैं जो कि स्किन को क्लीन रखे। रोज एक बार जरूर नहलाएं बच्चे को, और खासकर जो बच्चे बहुत एक्टिव है, शाम को खेल कर भी आ रहे हैं, थोड़े बड़े बच्चे हैं, वो चाहें तो दो बार भी नहा सकते हैं।
चौथी बात आती है दोस्तों की मसाज की, यानी तेल से मालिश करने की। तो हमारी आप लोगों से हमेशा रिक्वेस्ट रहती है कि आप इस दौरान नॉन स्टिकी यानी बिना चिपचिपा वाला तेल का इस्तेमाल करें बच्चों को मालिश करने के लिए। तो सबसे अच्छा तेल इसमें कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल रहता है, जो कि काफी हल्का होता है, आराम से स्किन में चला जाता है। तो जो थोड़े से रिलेटिवली हेवियर ऑयल्स हैं, जैसे कि हम कहें कि सरसों का तेल या ऑलिव ऑयल, तो इनका इस्तेमाल इस दौरान थोड़ा अवॉइड करें। और अगर आप मालिश कर रहे हैं तो उसके बाद आप जरूर उसे एक गीले कपड़े से पोंछ दें, ताकि एक्सेस ऑयल जो है बच्चे की स्किन से हट जाए और उसके जो स्वेट डक्ट्स हैं यानी कि पसीना निकलने के जो छिद्र हैं वो ओपन ही रहें, तो बच्चा रिलेटिवली ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। पांचवी बात आती है दोस्तों की कीड़े मकोड़ों से कैसे बचा जाए। तो आप कुछ स्प्रे ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चे के ऊपर डालने के लिए, उसके कपड़ों के ऊपर डालने के लिए, कोई भी ऐसा जिसमें कि कोई पॉइजनस केमिकल नहीं हो, कोई भी हर्बल स्प्रे ऐसा आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात कि से और आसान तरीका है कि अगर हम बच्चे को पूरा कवर करें लेकिन कॉटन के कपड़ों में, ढीले ढाले कॉटन के कपड़ों में, ताकि मच्छर और कीड़ों को काटने का मौका कम मिले। तो ये भी हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, तो बच्चे को मच्छर और कीड़े कम काटेंगे और उसे परेशानी कम होगी। आखिर में दोस्तों हम बात करेंगे कि हम जो तेज धूप से बच के रहना चाहिए, यानी प्रोटेक्शन फ्रॉम द सन। तो जहाँ सीधी धूप आती है वहाँ से ना जाएं, उधर से बच के जाएं, छाया में चलें, और अगर हो सके तो जो तेज धूप का वक्त है यानी सुबह के 10 बजे से दिन के 3 बजे तक, इस दौरान घर से बाहर ना निकलें। बच्चे चाहें तो एक वाइड हैट यानी चौड़े हैट्स का भी यूज़ कर सकते हैं, और जिसमें कि उनके ऊपर धूप थोड़ी कम आएगी। कुछ बच्चे जिनकी स्किन ज़्यादा सेंसिटिव है वो सनस्क्रीन भी यूज़ कर सकते हैं। बच्चों के लिए जब आप सनस्क्रीन यूज़ करें तो देखें कि वो बच्चों के लिए पहली बात वो वेरीफाइड हैं कि बच्चे इसको यूज़ कर सकते हैं, दूसरे उसमें जो SPF है यानी सन प्रोटेक्शन फैक्टर वो 15 से ज़्यादा हो सके तो 30 से ज़्यादा हो, लेकिन एटलीस्ट 15 से ज़्यादा तो होगी, तभी हम उसे एक इफेक्टिव सनस्क्रीन मानेंगे। आखिर में दोस्तों हम बात करेंगे कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है, बच्चे कुछ परेशानी है, तो अब हम क्या क्या कर सकते हैं, तो घर में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो जैसे सबसे साधारणतः आपसे मैंने कहा कि घमौरियाँ सबसे कॉमन प्रॉब्लम है यानी प्रिकली हीट, तो इसमें हम बच्चे के जो है जिस अफेक्टेड एरिया है उसके ऊपर हम एलोवेरा जेल वगैरह लगा सकते हैं। बार बार उस एरिया को अगर हम गीले कपड़े से पोंछ दें तो उसमें पसीना भी कम आएगा, प्लस उसके जो स्वेट डक्ट्स हैं वो खुले रहेंगे तो बच्चे को ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगा। और अगर इन दोनों के अलावा हम वो डस्टिंग पाउडर्स भी यूज़ कर सकते हैं उस एरिया में, ताकि स्वेटिंग थोड़ी सी कम हो। दूसरा जो प्रॉब्लम आपको बताया दोस्तों यानी फंगल इन्फेक्शन का, उसमें अगेन जो घर पे आप यूज़ कर सकते हैं तो कुछ डस्टिंग पाउडर सबसे आसान तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं। वो डस्टिंग पाउडर देखें जिसमें कि स्टार्च हो और कुछ एक एंटीफंगल भी एलिमेंट भी हो। इससे अगर काम नहीं बनता है तो आपको अपने पीडियाट्रिशियन से मिलना चाहिए, हो सकता है वो आपको कुछ ऑइंटमेंट वगैरह की सलाह दें इस्तेमाल करने के लिए। तीसरे दोस्तों कि जब अगर सनबर्न्स हो जाते हैं तो आपको डेफिनेटली एक त्वचा रोग विशेषज्ञ या स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, क्योंकि सनबर्न्स जो है ये एक बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है। तो इसमें आपका बच्चे को थोड़ा हायर मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो ये एक मेडिकल प्रोफेशनल के अंडर में ही इसकी केयर होनी चाहिए। और कि जहाँ तक रही बात दोस्तों चौथा प्रॉब्लम यानी कीड़े मकोड़ों के काटने का, तो आप जहाँ भी ऐसा होता है और बच्चे को परेशानी हो रही है तो वहाँ आप कुछ लोकल इमोनियल यानी ठंडा लगने वाला कुछ भी दवाई आप दे सकते हैं, जैसे कि आप वहाँ थोड़ा एलोवेरा लगा सकते हैं या लैक्टोकैलामिन लोशन लगा सकते हैं, इससे बच्चे को थोड़ी ठंडक रहेगी और उसे उतनी ख़ारिश नहीं होगी। लेकिन अगर उस जगह पर रिएक्शन हो रहा है, आप देख रहे हैं कि वो बढ़ता जा रहा है, एक छोटा सा फुंसी जैसा बन रहा है और बच्चे को उसमें बिल्कुल आराम नहीं हो रहा, तो आपको अपने पीडियाट्रिशियन से मिलना चाहिए। तो दोस्तों आज हमने बात की कि गर्मी के मौसम में स्किन में बच्चों के क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हम इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और हम इसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपके बच्चे सब स्वस्थ होंगे और आप इन तरीकों का इस्तेमाल करके उन स्किन प्रॉब्लम से भी बचे रह पाएंगे। वीडियो को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।